विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई जागरूकता रैली सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने दिखाई हरी झंडी। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामने हॉस्पिटल में आम नागरिकों को जनसंख्या के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। इस साल विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव है। इस साल ये वैश्विक स्तर पर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन व्यवहार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर अधिक प्रकाश डालने के लिए मनाया जाएगा। इस दिन पूरी दुनिया में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए तरह तरह से उपायों से लोगों को परिचित कराया जाएगा। इसके अलावा परिवार नियोजन के मुद्दे पर भी बातचीत की जाती है। इस दिन जगह जगह जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है ताकि बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाई जा सके। दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या परेशानी का एक बड़ा कारण बन गई है। इसकी वजह से अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी अनियंत्रित होती जा रही है। वर्ल्डोमीटर्स के मुताबिक इस समय दुनिया की कुल जनसंख्या 7,87,85,00,000 से भी अधिक है। हर दिन लाखों की संख्या में जनसंख्या बढ़ रही है। फिलहाल दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत है। चीन की जनसंख्या जहां 1,44,00,000,000 से अधिक है, तो वहीं भारत की जनसंख्या 1,39,00,000,000 से अधिक है। डॉक्टर अनीता ने बताया कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में भिवानी में जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली के साथ साथ भिवानी में एक महीने का जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अभी 11 जुलाई से लेकर आने वाले दिनों में सभी TSPSC और सरकारी हॉस्पिटल्स में जनसंख्या नियंत्रण करने को लेकर ऑपरेशन करने के कैंप लगाए जाएंगे। आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर आम जनता को जागरूक करेंगे। इस बार परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए अन्य तरीकों को भी बताया जाएगा। परिवार नियोजन अपनाने वाले पुरुष व महिला को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके साथ साथ दो बच्चों के बीच 3 वर्षों का गैप भी होना चाहिए। आज 11 जुलाई को जैसे जनसंख्या नियंत्रण दिवस होता है, तो इसमें एक महीने का प्रोग्राम चल रहा है। ये हमारा शुरू हुआ था 27 जून से। 16 जुलाई को दंपति संपर्क पखवाड़ा मनाया गया था और अभी 11 जून से 24 जुलाई को जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे अंडर आने वाली सभी CHCs पे और SDH पे और इंक्लूडिंग हमारे GH पे रोज़ जनसंख्या नियंत्रण के लिए ट्यूबेक्टमी और वेसेक्टमी के ऑपरेशंस करने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। और इसमें हमारी आशाज, ANMs, ये लोग अपना घर घर जाके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि छोटा परिवार सुख का आधार। और इस बार हमारा स्लोगन जो है वो भी यही है कि इस आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी। तो छोटा परिवार अगर रहेगा तो उसमें साधन संपन्न लोग तो अपने परिवार को अच्छे से चला ही सकते हैं, लेकिन जो लोग गरीब होते हैं अगर वो अपने परिवार को ज़्यादा ना बढ़ा के कम रख के उनके अच्छे से परवरिश करें तो उसमें पूरे राष्ट्र की प्रगति होती है। तो इसमें हमारा यही मोटिव है कि लोग ज़्यादा बड़ा परिवार ना करके छोटे परिवार पर ही अपना परिवार नियोजन करें। इसमें टेम्प्ररी और परमानेंट दोनों तरह के मेथड्स लोगों को बताए जाएंगे, उनको एक बास्केट ऑफ चॉइस दी जाएगी कि वो जो भी मेथड अपनाना चाहें, चाहे वो परमानेंट मेथड है जिसमें ट्यूबेक्टमी और हमारा वेसेक्टमी आ जाता है, और अगर कोई डिलीवरी के बाद अगर महिला कराती है तो पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन हो जाता है। तो सरकार की तरफ से इसमें महिलाओं को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है जो कि 2,000 रुपये है, और अगर कोई पुरुष कराते हैं उनको भी 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद जैसे PPIUCD लगाना, अगर कोई बेनिफिशियरी डिलीवरी के बाद PPIUCD लगवाती है तो उसको 300 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसका मोटिव ये रहता है कि दो बच्चों में 3 साल का अंतर हम रखना चाहते हैं कि जिससे माँ का शरीर पूरी तरह से अगले बच्चे के लिए तैयार हो और जो उनका बच्चा है उसको पूरी तरह से पोषण मिले, माँ का दूध पूरी तरह से मिले। तो 3 साल का गैप बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे इसमें साधन होते हैं जिनके बारे में आशा और ANM सब जो एलिजिबल कपल हैं उनको इसके बारे में जानकारी देती हैं, जैसे कॉन्डोम्स और OC पिल्स तो दी ही जाती हैं। इसके अलावा एक अंतरा का इंजेक्शन लगाया जाता है जो हर 3 महीने के बाद लगाया जाता है। 1 साल में 4 इंजेक्शन लगने के बाद 2 साल का गैप आराम से आ जाता है, और ये दूध पिलाने वाली माताएँ हैं उनको भी ये आराम से लगाया जा सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो इस पखवाड़े में हमारा यही रहेगा कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट को अचीव करें, क्योंकि पीछे कोरोना के दौरान जो हमारा पहला क्वार्टर था उसमें हमारे ऑपरेशंस और ये सब काफ़ी कम हुए हैं, तो
तो ये जो अब स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं, तो हमारा इसमें मोटिव रहेगा कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टारगेट्स को अचीव करें।